नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो के विषय में आपको जानकारी मिलती रहे, तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी के विषय में बताने जा रहा हूं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी का व्रत जो भी व्यक्ति रखता है, उसे प्रातःकाल उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाना चाहिए, तथा स्नान करने के बाद, स्वच्छ होने के बाद उसे पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए। तत्पश्चात उसे पीले वस्त्र धारण कर पीले आसन पर बैठकर भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए, तथा उनके समक्ष घी के दीपक को जलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का रंग अत्यंत प्रिय है, अतः पीले वस्त्र, पीली मिठाई तथा पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अनंत सूत्र को भगवान विष्णु के समक्ष रखकर उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं इसके बाद उन सूत्रों को आपको धारण करना चाहिए। सूत्रों को धारण करने के भी नियम हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ में उस सूत्र को धारण कर सकते हैं, इसी प्रकार महिलाएं अपने बाएं हाथ में उस सूत्र को धारण कर सकती हैं। कहते हैं इस सूत्र को धारण करने के बाद भगवान विष्णु उस व्यक्ति की संपूर्ण प्रकार से रक्षा करते हैं, तथा भगवान विष्णु अपने उस भक्त पर कभी भी किसी भी प्रकार की मुसीबत या परेशानी नहीं आने देते हैं। इसीलिए अनंत सूत्र को हमेशा धारण कर किया रहना चाहिए, तथा वह यदि आपके हाथ से खुलकर गिर जाए तो उसको किसी पेड़ में बांध देना चाहिए। उसको किसी ऐसी जगह फेंकना नहीं चाहिए जिससे उसका अपमान हो। ऐसा होने से भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं, तथा उस व्यक्ति के घर की लक्ष्मी भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसलिए उस सूत्र की आपको रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्य दृष्टि के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो, और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।